कि अब जरा सोचिए इकोसिस्टम की। तो मैं बता दूं मनीष जी, कि आज वो अशोक श्रीवास्तव जो दूरदर्शन के हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन ट्वीट किया है। वो मतलब वास्तव में आंखें खोलने वाला ट्वीट है। उन्होंने तेजपाल लिंचिंग बरेली डाला गूगल पर सर्च करने के लिए, और उन्होंने उसका स्क्रीन शॉट डाला है कि वो जो तेजपाल को उसके घर से घसीट कर 150 मुसलमान मस्जिद के अंदर ले गए, और 150 लोगों ने उसकी हत्या करी मार मार के। उस तेजपाल की लिंचिंग पर एक भी खबर पूरे गूगल पे नहीं है, यानी जिसपे आपको लाखों आ जानी चाहिए थी, हजारों आ जानी चाहिए थी, एक भी खबर तेजपाल की लिंचिंग पे नहीं है। वो उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला जो उन्होंने लिख के सर्च किया, तो उस पर कहा कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, हाँ मनीष जी, ये नैरेटिव की लड़ाई हार रहा है हिंदू। उन्होंने लिखा भी है, ये देखिए उन्होंने लिखा कि तेज राम लिंचिंग बरेली, और उसके बाद नीचे मनीष जी जरा इसको फोटो को दिखाइए कि उसका रिजल्ट क्या रहा है। वो यहाँ ये सबसे नीचे लिखा है कि उसी सबसे नीचे वाली लाइन, और हाँ कि योर सर्च तेज राम लिंचिंग बरेली केस डिड नॉट मैच एनी न्यूज रिजल्ट। यानी कि ये यहाँ के तो खैराती है ही यही है, अंतरराष्ट्रीय ताकतें कितनी बुरी तरह से भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ किस तरह से सक्रिय हैं कि इतनी दिल दहला देने वाली ये घटना, 150 लोगों ने राक्षसों की तरह मारा, कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी, कितनी दर्दनाक तरीके से दम तोड़ा होगा तेजराम ने इन हत्यारों के, 150 हत्यारों के बीच, और उस खबर को गूगल पे कोई खबर ही नहीं है। ये बहुत बड़ा साजिश को एक तरह से, मैं अशोक श्रीवास्तव को धन्यवाद दूंगा मनीष जी कि उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ ध्यान दिलाया इस देश का। ये उन्होंने लिखा भी है कि नैरेटिव की लड़ाई हार रहा है हिंदू, बरेली में तेजराम को जिहादियों की भीड़ घर से खींच कर ले गई और मस्जिद के अंदर उसे लिंच करके मार दिया, लेकिन ये खबर मुहर्रम के बवाल के रूप में दिखेगी, बुलडोजर चला चला के रूप में दिखेगी, लेकिन एक हिंदू तेजराम की मस्जिद में लिंची की खबर कहीं नहीं मिलेगी। ये है उनकी तैयारी, और इतनी चुस्ती के साथ वो सक्रिय हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये अपने आप में मतलब हृदय विदारक है कि सोचिए कि जमशेदपुर के एक गांव में जब मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी को गांव वालों ने रात में रंगे हाथ पकड़ा, उसकी पिटाई की, 4-5 दिन बाद उसकी मौत हुई। अब किस चीज से मौत हुई ऐसे मेडिकल रिपोर्ट में पिटाई का नहीं आया, लेकिन पूरा इकोसिस्टम आज भी जैमसराय के चैनल पे खैराती पाड़ा रेगुलर इस पे डिबेट करता था, और ये अरे खबर भी कहीं। और बता दूं मनीष जी कि यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव, ये दिल्ली से जियाउलहक के देवरिया उसके गांव चले गए उसके यहाँ, क्योंकि उसकी हत्या हो गई थी। ये दादरी में अखलाक के घर चले गए क्योंकि उसकी हत्या हो गई थी। ये राहुल गांधी उसके तबरेज जो था हिस्ट्री सीटर चोर, उसके घर चला गया झारखंड में क्योंकि उसकी हत्या हो गई थी। लेकिन तेजराम का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने, तेजराम का नाम नहीं लिया अखिलेश यादव ने, तेजराम का नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव ने। तो इनको हिंदू मुसलमान अगर हिंदुओं को मार दे तो ये किस तरह से आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी कानों में रुई डाल लेते हैं, इससे ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता। ये इसीलिए हम लोगों ने इसको जोड़ा दिल्ली है। से जरा याद कर लेंगे, दिल्ली से 1,000 किलोमीटर भी दूर देवरिया चला गया था राहुल गांधी वो जियाउलहक के घर में मातम करने, लेकिन तेज राम के आने जा रहा जो दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर बरेली है, जाना तो दूर की बात रही, नाम नहीं ले रहा, और वो नहीं कोई कांग्रेसी नाम नहीं ले रहा। ये है इन सेकुलर दलों की, इस इंडी गठबंधन की आंखों में हिंदुओं की हैसियत, हिंदू की जान की कीमत। और इसीलिए समझना पड़ेगा कि जब तब इसको कैसे जोड़ा जाए कि क्या इसराइल के प्रधानमंत्री बात तो अपने देश की कर रहे हैं, लेकिन नहीं अमेरिकी मनीष जी, संसद से उन्होंने मैसेज देखिए भारत को क्या दे दिया है। नहीं मनीष जी, भारत को मैसेज ये दिया कि वो जो सबका साथ सबका विकास का जो ढोलक बजाते रहे हो 10 साल तक, अगर ये बजाओगे तो अगले 5 साल बाद खत्म, अपनी तैयारी कर लो, अपना बुरिया बिस्तर बांध लो। यहाँ तो सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास का गाना गाया जाता रहा, वो सुनाते रहे, तो उसका नतीजा है ये कि तेजराम को घर से घसीट कर मस्जिद के अंदर ले जाके 150 आदमी हत्या कर देते हैं। और शर्म की बात है मनीष जी, भाजपा का भी कोई नेता नहीं जा रहा। ये जो आज अशोक श्रीवास्तव ने मनीष जी ट्वीट करके बताई, असलियत ये क्यों है? क्योंकि भाजपा का भी कोई बड़ा नेता नहीं गया।
क्यों नहीं कहा जेपी नड्डा उसके घर, अगर राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जयवलत के घर चला जा सकता है देवरिया, उसके अखलाक के घर जा सकता है, तो जेपी नड्डा बरेली क्यों नहीं जा सकते? कैसे नहीं खबर बनेगी? बनेगी खबर, लेकिन कोई भाजपा का बड़ा नेता नहीं जाएगा, कहीं सेटिंग ना खराब हो जाए मनीष जी, कि पता नहीं कहीं 5 साल बाद राहुल जी की सरकार आ गई तो सेटिंग खराब हो जाएगी, यह असल ये समझ में आती है। बिल्कुल, इसीलिए आप उससे अपेक्षा नहीं करते कि हाँ रवीश कुमार क्यों नहीं गया, ये राहुल गांधी क्यों नहीं गया, उनका वोट बैंक नहीं सदता इससे, तो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। और तेजराम दलित है, तेजराम दलित है, आज यहाँ पे भाजपा नेताओं का तांता लग जाना चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, वो कौन सी पकौड़ी तल रहा है? बरेली क्यों नहीं गया? वो बैठे बैठे बातों के बतासे फोड़ोगे, उसके बाद कहोगे फलाना कट गया, दिवाका कट गया, और मोदी बड़ा अहंकारी हो गया इसलिए चुनाव हार गए, इन कर्मों से हार गए। बिल्कुल, इसलिए इसलिए गूगल में जो आज अशोक श्रीवास्तव ने स्क्रीनशॉट दिखाया है, वो इसलिए गूगल में कहीं इसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि कोई गए नहीं, यहाँ बैठ के यहाँ एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ के 4-5 चाटुकार पत्रकार बैठा के ये बयान छाप दो, वो बयान छाप दो, निकल के नहीं जाओगे। वो दौड़े थे, इसलिए उनका वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। वो राहुल गांधी 1000 किलोमीटर दूर देवरिया चला गया था, उसकी कब्र पर जाके रोया था वो जियाउलक की। और यहाँ मायावती को समझना चाहिए कि और, उनका भी क्यों जमीन उनका खिसका है, कि जब दलितों की बात करने वाली मायावती भी तो सर गायब है। वो मायावती बनी जी कभी नहीं जाती, उसकी वो शैली नहीं रही। मायावती का पूरा पिछले 25-30 साल का इतिहास है, 25-30। अब मायावती जियाउलके में भी घर नहीं गई थी, वो अखलाक के भी घर नहीं गई थी, वो तबरेज के भी घर नहीं गई थी। मायावती की वो राजनीति नहीं है, मायावती की राजनीति, उस पर हम लोग किसी दिन पूरा कार्यक्रम करेंगे। ये जो रोना रोते हैं, लड़ तुम रहे हो तो वो जो यहाँ मीम पे चल रहा, और मुसलमानों ने एक दलित को घर से निकाल कर मारा, इसको कौन इसकी चर्चा कौन करेगा? ना तो लखनऊ से 4-5 घंटे का रास्ता है अगर आप बाई रोड जाइए, और दिल्ली से आइए तो भी 4-5 घंटे का रास्ता, बीच में है बरेली, लेकिन भाजपा के किसी बड़े नेता को फुर्सत नहीं मिल रही। वो उस जुगाड़ में लगे, इस जुगाड़ में लगे कि मोदी अहंकारी बहुत हो गया, आधे इस चक्कर में परेशान है, और आधे इस चक्कर में परेशान है कि योगी जाएगा कि रहेगा, इसी में लगे हुए, यही खिचड़ी पका रहे हैं। बाकी जाए और तेजराम जाए चूल्हे में, हिंदू जाए चूल्हे में, बयान दे देंगे, कोई बढ़िया से बयान दे देंगे छांट के। बिल्कुल, और सब इसीलिए चौंकाने वाला है कि कैसे वो छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बना लेते हैं, अपना नैरेटिव खोज लेते हैं। फिर हम इसको ले आते हैं इस चीज पे कि नेतन्याहू दरअसल यही बात कह रहे हैं कि वो अपना नैरेटिव कैसे तैयार करते हैं। आपको उनसे सीख लेना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में उतनी सीट भी वो नहीं ले आ पाए, 100 की आंकड़ा नहीं पार करे 3-3 चुनाव में, उसके बाद भी उनका इकोसिस्टम कितना मजबूत है इस देश के खिलाफ, उस इकोसिस्टम से। आज देखिए सर, इतनी ताकतवर सरकार को हिलोरे मार रहे हैं, लेकिन अल्पमत की सरकार सोनिया की, मनमोहनी सरकार 140 सांसदों की सरकार। और तो छोड़ दीजिए मनीष जी, भाजपा के कोई दलित अनुसूचित जनजाति मोर्चा तो है, उसका तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो कहां पतंग उड़ा रहा है? उत्तर प्रदेश में दलित अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है, वो अध्यक्ष महोदय कहां लट्टू मचा रहे हैं? क्यों नहीं गए बरेली? क्यों नहीं जाके वहीं डेरा डाल दिया? योगी आदित्यनाथ ने तो बुलडोजर चलवा दिया, 11 घर गिरवा दिए, तुम क्या कर रहे थे? योगी ने तो अपना काम कर दिया। हम लोग कल इसी इश्यू पे विश्लेषण करे थे, योगी ने बुलडोजर चला करके 48 घंटे के अंदर वो काम कर दिया, लेकिन ये राजनीति करने योगी नहीं जाएगा। जिनको राजनीति करनी वो इस परपंच में जुटेंगे, योगी कैसे जाएगा, केशव आएगा कि फलाना आएगा, वो इस चक्कर में लगे हैं, और इन्हीं कर्मों की सजा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली, जिसको हम लोग नहीं भाप पाए, लेकिन जनता समझ रही थी, जनता समझ रही थी सचमुच ही पीड़ा हम लोगों की, हम लोग भी नहीं भाप पाए। और मनीष जी एक और बता दूं कि हम लोग योगी को कहते तो बहुत हैं, लेकिन योगी अगर अफसरशाही के भरोसे सरकार ना चलाते तो क्या इन लोगों के भरोसे सरकार चलावे, जो हत्या हो जाने पे भी अपने अपने एयर कंडीशन में बैठे बयानबाजी कर रहे हैं, रोड पर निकलने की इनकी अब भी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो योगी की कहीं मजबूरी भी थी कि अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाएं? बिल्कुल, और इसीलिए आते हैं, उन्होंने पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी के स्टाइल में तुमको थाने में जाकर के दुकान नहीं चलाना है। और मनीष जी स्पष्ट कर दूं कि योगी जिस अफसरशाही के भरोसे सरकार चला रहे थे,
उस अफसरशाही ने जाके 11 घर गिरा दिए हत्यारों के। नेता जिनकी नेतागिरी की ड्यूटी थी, जिनकी राजनीति की ड्यूटी थी, क्या इसमें भी नहीं जाओगे? बिल्कुल, इसीलिए इस चीज को हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की है, और कि आपको कैसे समझना है कि आप इकोसिस्टम, इसीलिए इकोसिस्टम की बात कही जाती है, और इकोसिस्टम तभी तैयार होता है जब आपका नेता जाएगा। किसी पत्रकार के वहां जाने से कुछ नहीं होना है। खबर तो पत्रकार तब बनाएगा ना जब कम से कम अल्पसंख्यक वहां पर दलित मोर्चा जाता, अनुसूचित जाति मोर्चा जाता, कम से कम बीजेपी का आज जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं वो जाते। बड़ा कह रहे संगठन से ज्यादा सरकार से बड़ी होती है, तो वो जो दुकान लगा रहे हैं वही चले जाते, कहां पतंग उड़ा रहे हैं। तो दिखाता है कि कैसे आप जो है कब्र किसकी खोद रहे हैं, और राजनीति में कैसे आप शून्य हो रहे हैं। ये तेज राम का प्रकरण और पूरे गूगल पे इस खबर का गायब होना बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि आत्मघाती। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि तेज राम के जगह पे कोई तबरेज मारा गया होता तो क्या होता। बस कल्पना, ये सारे लोग सदन छोड़ के वहां पहुंचे होते हैं बनी जी, और वो खबर अमेरिका के अखबार में छप रही होती। जब तुम जाओगे नहीं, तुम खुद उनसे ज्यादा उपेक्षा तो तुम कर रहे हो।